नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए और इंटरेस्टिंग क्रिकेट एपिसोड के सीरीज़ में। तो भाई, कल जो है आईपीएल का ऑक्शन हो चुका है, आज जो है आप सभी के लिए बहुत सारी न्यूज़ भी आ रही है, इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, आप लोग आईपीएल के फ़ैन हो, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बगल में आप सभी को घंटी का बटन दिख जाएगा, उसको भी याद से दबा दीजिए। दोस्तों, यहाँ पे जो है मैं आगे बढ़ूँ उसके पहले, अगर आपने कल आईपीएल का ऑक्शन मिस कर दिया है, कौन सा प्लेयर स्क्वाड में है, किस प्लेयर को किस टीम ने खरीदा है, सारी जो डिटेल है भाई A to Z मैंने जो है अपने टेलीग्राम पे आपको शेयर किया है। जो लोग वहाँ पे हैं उनको भाई कल मैंने पल पल की अपडेट दी है। अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो आप लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हो। डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर मैंने आपको लिंक दिया है टेलीग्राम का, क्लिक कीजिए और टेलीग्राम को हमारे ज्वाइन करके रख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई सैम कुरन के साथ में। तो भाई इतिहास बन चुका है, 18.5 करोड़ रुपए में सैम कुरन बिके हैं, जो कि सबसे महंगे खिलाड़ी बन चुके हैं आईपीएल के इतिहास में। सोच के देखिए भाई, ये था मिनी ऑक्शन, मिनी ऑक्शन में सबसे महंगा बन चुके। अगर मान लेते होता था मेगा ऑक्शन, तो भाई क्या पता सैम कुरन 20, 22 या फिर 25 करोड़ में भी जा सकते थे, ऐसा भी जो है हो सकता था। यानी कि आईपीएल में जो है भाई, जिसकी किस्मत चमकी उसको एकदम माला माल बन जाएगा। शुरुआत करते हैं न्यूज़ की। न्यूज़ आ रही है भाई यहाँ पे आरसीबी के खेमे से। जैसे ही भाई ऑक्शन हुआ, सब कुछ ख़त्म हो गया, उसके बाद माइक हसन ने ऐसा बोल दिया कि विराट कोहली और फैफ डुप्लेसिस दोनों प्लेयर ही जो है आरसीबी के लिए ओपनिंग करेंगे आईपीएल 2023 में। साथ ही में जो आरसीबी ने खरीदा है भाई विल जैक्स को, आपको पता है भाई काफ़ी अच्छे यंग खिलाड़ी है, तो हैसन ने ऐसा बोल दिया कि जो ग्लेन मैक्सवेल है, हम लोग ग्लेन मैक्सवेल के रिप्लेसमेंट के तौर पे जो है विल जैक्स को ऑक्शन से उठाए हैं। बिकॉज विल जैक्स जो है ना भाई स्पिन गेंदबाजी भी कर सकते हैं और एक काफ़ी अच्छे हिटर भी है। अगर आप इनको देखे हैं T20 ब्लास्ट में, तब ये जो है ना भाई सर्रे के लिए ओपनिंग करते हैं और बॉलिंग भी कर लेते हैं, तो भाई कहीं ना कहीं जो है मैक्सवेल के रिप्लेसमेंट के तौर पर आरसीबी ने इनको पिक किया हुआ है। नेक्स्ट अपडेट भाई ये आ रही है हमारे टीम इंडिया के नए सिलेक्शन पैनल को लेके। अभी तक जो है भाई बीसीसीआई का नया सिलेक्टर कौन है ये फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन अभी जो है इंडिया की नेक्स्ट सीरीज आने वाली है, वो आने वाली है भाई श्रीलंका के साथ में। तो अभी तक जो है टीम इंडिया का स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ है। तो ऐसे में जो अपडेट आ रही है कि जो पहले मतलब कि सिलेक्शन के हेड थे चेतन शर्मा, इनको जो है दोबारा से बुलाया जाएगा और भाई इनको बोलेंगे कि आप एक लास्ट टाइम जो है टीम इंडिया का स्क्वाड सिलेक्ट कर लो श्रीलंका सीरीज़ के लिए, उसके बाद जो है ऑटोमेटिकली टीम इंडिया के लिए नए सिलेक्शन पैनल तो आने ही वाले हैं। नेक्स्ट अपने यहाँ पे बात करते हैं भाई, बहुत ही एक अजीब इंसिडेंट हुआ है बिग बैश लीग में, जहाँ पे अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज फजल हक फरूकी, ये जो है फिलहाल बिग बैश लीग में सिडनी थंडर की टीम की तरफ से खेल रहे थे। भाई हुआ क्या, इनका मैच ख़त्म हुआ, ये लोग मैच के बाद जो है क्लब में पार्टी करने गए और पार्टी के दौरान जो है कहीं ना कहीं कुछ मिसबिहेव कर दिया फजल हक फरूकी ने, जिसके बाद जो वहाँ के पीपल, वहाँ के जो लोग थे वो खुश नहीं थे, तो इनके अगेंस्ट में एक भाई कंप्लेन हुआ, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बोर्ड ने फजल हक फरूकी का मतलब जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है भाई बिग बैश लीग का, वो ख़त्म कर दिया। यानी कि अब वो बिग बैश लीग में नहीं खेल पाएंगे ये साल। तो भाई काफ़ी बुरा हुआ कि आपको इतना अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिला था, आपने कुछ मिसबिहेव किया, कुछ गलती कर दी, उसके वजह से इनका पूरा कॉन्ट्रैक्ट चला गया। नेक्स्ट अभी भाई ये आ रही है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट को लेके। देखिए भाई, हमको पता है कि अगले साल ऑस्ट्रेलिया आने वाली है, इंडिया में खेलेगी टेस्ट सीरीज़। हालांकि पहले जो है ऐसी अपडेट आई थी कि इंडिया और ऑसिस के बीच में एक मैच जो है भाई वो पिंक बॉल का हो सकता है, डे नाइट टेस्ट मैच, लेकिन अब ऐसी खबर आ रही है कि इंडिया और ऑसिस के बीच में जो है डे नाइट टेस्ट मैच नहीं होगा, चारों एकदम स्ट्रेट मैचेस हो सकते हैं, यानी कि पिंक बॉल चांसेस काफ़ी कम है कि यानी कि पिंक बॉल का टेस्ट मैच शायद से नहीं होगा। नेक्स्ट अगर भाई बात करते हैं बीसीसीआई की और आईपीएल के ओनर की, तो भाई कहीं ना कहीं कल जो है मीटिंग में बीसीसीआई ने ऐसा मतलब कि सभी आईपीएल के ओनर्स को बुलाया और बोला कि हम लोग खुश नहीं हैं, बिकॉज हमको पता है कि जो आईपीएल के ओनर्स हैं वो यूएई T20 लीग होती है भाई अपनी अफ्रीका लीग, यानी कि अलग अलग देश में जाके जो है अपनी फ्रेंचाइज को खरीद रहे हैं, जिसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो अपनी होती है बीसीसीआई, ये लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है आईपीएल के ओनर से कि आप लोग मतलब कि बाहर देश में अपनी फ्रेंचाइज खरीद रही हो, इसको लेके जो है बीसीसीआई बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं दे रही है। एंड दिन हम बात करते हैं इंग्लैंड के टेस्ट के स्क्वाड की वर्सेस न्यूजीलैंड। तो भाई 2023 में जो है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीम का भाई टेस्ट मैच होने वाला है, जिसको लेके इंग्लैंड की टीम ने उनका टेस्ट का स्क्वाड अनाउंस कर दिया। तो आप लोग पूरा स्क्वाड जो अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे।
ये थी हमारी एक छोटी सी अपडेट मैंने आप सभी को बना के दे दी। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।